यशुआ और उसका 20वां बाब जो 9 आयात पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने यशुआ से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अपने लिए पनाह के शहर जिनकी बाबत मैंने मूसा की मार्फत तुमको हुक्म किया मुकरर करो, ताकि वो खूनी जो भूल से और नादानिस्ता किसी को मार डाले वहां भाग जाए और वो खून के इंतकाम लेने वाले से तुम्हारी पनाह ठहरें। वो उन शहरों में से किसी में भाग जाए और उस शहर के दरवाजे पर खड़ा होकर उस शहर के बुजुर्गों को अपना हाल कह सुनाए, तब वो उस शहर में अपने हाल ले जाकर कोई जगह दें ताकि वो उनके दरमियान रहे, और अगर खून का इंतकाम लेने वाला उसका पीछा करे तो वो उस खूनी को उसके हवाले ना करें, क्योंकि उसने अपने पड़ोसी को नादानिस्ता मारा और पहले से उसकी उससे अदावत ना थी। और वो जब तक फैसले के लिए जमात के आगे खड़ा ना हो और उन दिनों का सरदार काहिन मर ना जाए तब तक उसी शहर में रहे। इसके बाद वो खूनी लौट कर अपने शहर और अपने घर में यानी उसी शहर में आए जहां से वो भागा था। बस उन्होंने नफ्ताली के कोहस्तानी मुल्क में जलील के कादिस को और इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में सिकम को और यहूदा के कोहस्तानी मुल्क में करीत अरबा को जो हबरून है अलग किया, और यरीहू के पास के यर्दन के मशरिक की तरफ रोबिन के कबीले के मैदान में बसर को जो ब्याबान में है, और जद के कबीले के हिस्से में रामा को जो जिलाद में है, और मनसी के कबीले के हिस्से में जोलान को जो बसन में है मुकरर किया। यही वो शहर हैं जो सब बनी इसराइल और उन मुसाफिरों के लिए जो उनके दरमियान बसते हैं इसलिए ठहराए गए कि जो कोई नादानिस्ता किसी को कत्ल करे वो वहां भाग जाए, और जब तक वो जमात के आगे खड़ा ना हो तब तक खून के इंतकाम लेने वाले के हाथ से मारा ना जाए।